जी गुरु जी सब ने भी लूटेंगे जी गुरु जी हमने बेरा के करना है ये करना है ये करना है जिसके घर में बालक नंदे हो जिसके घर में टोटा रियो जी जिसने भाई बरकत में दनों दो उन्हें मेरे पास लो भुगुत्ती देवांगे भुगुत्ती से खमावांगे हर मोजी उठावांगे तभी तो कह गया बापे पीण के लिमका चेल्ले बना के चिमका पता लगता जो करांगे इन्हें ले जाएंगे
करके सैर। अच्छा। और सैर में जाकर अस्पताल में इसका करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। उल्टासाउंड? तुम्हें कहते हो कि उल्टासाउंड कराने की क्या लोड़ है? मेरी अल्ट्रासाउंड। अरे अच्छा उसमें क्या हुआ? उसमें सारा पता लग जा छोर है के छोरी। अच्छा लग जाएगा थोड़ी बात का पता लग जा तो बेटे फिर न्यू कर आज ही देख कर चल तो न्यू कर इसकी इतना तैयार कर और मैं भी अपना हथियार दो लूं। अच्छा अरे मैं तो हथियार हुआ थोड़ा दाम पे बोल कर दीपा उन्हें सुन क्या दे नहीं 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 तो करता ही ए बेटी तो सुनी बेटी बेटी चल तो ना शहर घुमा कर लाऊंगी तेरे एक दो सूट लाऊंगी पड़वा का आज ही लियावेगी शहर भी घुमा कर तो आज ही लियावेगी सूट भी पड़वा का मैं नहीं जानती हूँ किंगी आई समझ मैं सारी बात सुन ली मैंने थारी ए मैं कहा चल पड़ मैं नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी ए बेटा ए लातों के भूत बात तो ने कोने मारते दर दो गुद्दी मत चल ले के क्या माना जो बात माने नहीं वो काम करना पड़ेगा चल जल्दी जल्दी बकवास मारा के अब यहाँ के ना चल ले चल चल गैर कानूनी काम है लेकिन जब भाई साहब का फोन आ गया मैं आपका काम कर दूंगा क्या नाम है मरीज का रोशनी है रोशनी है नर्स अंदर लेके आओ जरा देखो भाई रिपोर्ट आ गई है और आपकी पत्नी के घर में अभी भी लड़की है देखो भाई मेरी बात सुनो गन्ना भ्रूण हत्या पाप है डॉक्टर साहब ये जो सब का पाप है भाई बात तो फर्स्ट क्लास है चलो मैं करता हूँ आपका काम आप बाहर बैठो और इनको चुप रखना सुनिए भी नहीं चिन्ह तो हाँ इनको चुप रखना मैं काम कर देता हूँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए ये क्या दे कोई नहीं चिन्ह हाँ इनको चुप करो इसका हम खबर माया किसी ने काम सुना इनको लेके जाओ नमस्कार आप रोशनी के घर वाले हो हाँ जी रोशनी को यहाँ पर किस लिए लेके आए हो आप
ਬੁਖਾਰੋ ਰੱਖ ਦੇ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੋ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਦੇ ਬੇਟਾ ਫੁਸਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁ ਗੇ ਲਗਣੀ ਲੜਾ ਲੜਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੂ ਆਈ ਤੂੰ ਵੀ ਰੜਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਵਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੱਠ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਭੀਤਰ ਬੈਠ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬੁਲਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਹ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੇਟਾ ਨਮਸਕਾਰ ਇਧਰ ਆਓ ਡਰਨਰ ਘਬਰਾਣੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸ ਨਹੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਨੇ ਇਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕਰ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਰ ਪੇ ਮਾਰਾ ਪਿੱਟਾ ਅੱਛਾ ਪਿੱਟਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ अच्छा हॉस्पिटल में लाके इनको इन्होंने मेरे गर्भ की जांच कराई और जब इनको ये पता चला कि मेरे गर्भ में लड़की है तो सर इन्होंने डॉक्टर साहब को पैसे देकर मेरी लड़की को मरवाने के मरवावे के क्यों उठ करके गजब नहीं माने चुप हो जा बेटा अब मेरा मुंह इकड़ा हां डॉक्टर साहब जनाब गलती हो गई ये क्या था चेकअप करिए गलती हो गई सर क्यों चेकअप करना हां लाइट करा आपको थोड़ा सा काम करने का काम कर रही है हां कितने समझदार हो कितने पढ़े लिखे इतने गंदे काम करा लग रहे हम उड़ा रहा तू हाँ सिर पर तू पगड़ी बांध कर फिर काम सुनते करा काम सुनते करा मुंडा लारा मेरे बेटे का दिमाग है जो मेरा तो एक ही बेटा दे जो अट्टे मर गया भाई अपने जम्मे हुए की तो बड़ी मानता ही था ना हाँ उसकी मानता नहीं आई जिसने भी लगिया दुनिया देखी भी को नहीं उसने मरवाने लग रही तू उड़ा तू ਤੂੰ ਥਮ ਬੇਟੀ ਨੰਬਰ ਆਓ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਈ ਆਗੇ ਨਾ ਜਾ ਪੜਕਾ ਕਰ ਜੀ ਆਗੇ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਓ ਤੁਮ ਛੋਰੀ ਹੋ ਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਛੋਰੀ ਹੋ ਤਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾ ਰੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਵੰਸ ਵੇਲ ਖਾਤਰ ਛੋਰਾ ਤਾ ਚਾਹੀ ਰੇ ਤਾਈ ਘਰ ਕੀ ਵੰਸ ਵੇਲ ਖਾਤਰ ਛੋਰਾ ਚਾਹੀ ਤਾ ਘਰ ਕੀ ਵੰਸ ਵੇਲ ਅਕੇਲਾ ਛੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਸਕੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਅਰੇ ਜਦ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਕੀ ਵੰਸ ਵੇਲ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਬਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਪੜਾਣੇ ਲਿਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੇ ਅੱਛਾ ਉਸਕੋ ਸਾਦੀ ਕਰੇਗੀ ਦਾਨ ਦੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਾਈ ਯਹੀ ਤਾਂ ਥਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਰਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਾਰਨ ਸਮ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਓ है? आज बेटियों के लिए हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है बेटियों के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रही है हमारी सरकार अरे बेटियों के लिए इतनी अच्छी योजना चला रखी है हमारी हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने ताई हमारी हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए योजना चला रखी है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना और हमारी भारत सरकार ने योजना चला रखी है सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अगर कोई ऐसे ऐसी कैटेगरी और बीपीएल परिवार से आता हो उनको पहली बेटी होने पर 21,000 रुपए दे रही है हमारी सरकार 21,000 रुपए हाँ अगर किसी के घर क्रम के अनुसार दूसरी बेटी हो जाती है चाहे किसी भी जाति से किसी भी धर्म से है उनको दूसरी बेटी होने पर 21,000 रुपए दे रही है हमारी सरकार और जो हमारी भारत सरकार ने योजना चला रखी है सुकन्या समृद्धि योजना इस योजना के तहत 0 से 10 साल तक की जो भी बेटियां हैं उनका डाकखाने सरकारी बैंक में खाता खुलवाए और अपने हैसियत के अनुसार उस बेटी के खाते में जमा कराए हमारी सरकार बेटियों के खाते में जो भी राशि जमा होगी सबसे ज्यादा ब्याज उन बेटियों को दे रही है उस खाते में रे हाँ ताई मेरे बेटा फिर मैं पीछे मिलेंगे कितना रे ताई मेरे पीछे मिलेंगे जिस छोरी शादी के लायक हो जाएगी 18 साल के ऊपर हो हाँ आई समझ में तेरी और रही बात पढ़ाई लिखाई की हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री कर रही है अगर बेटी पूरा दिन स्कूल में रहती है तो दोपहर का खाना भी फ्री दे रही है बिल्कुल है और शादी के टाइम भी हमारी सरकार पैसे दे रही है और तो कह रही भाई थोड़ी बोझ है हमारे पास बता क्यों कर बोझ हुई है अरे ना रे बेटा तेरे बेटी को पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं बिल्कुल भी नहीं है शादी का खर्चा नहीं बिल्कुल भी नहीं उसमें भी कन्यादान मिलने लग रहा है क्या 55,000 रुपये हाँ फिर बेटी
मौज किस तरह होई रे भाई, यही तो थारी समझ में नहीं आई, यही तो बात तुम्हें पता कौन है बेटा, तुम्हारी अंका खोल दी रे, आगे समझ मत आई रे, मैं तो बहुत बड़ा पाप करूं तेरे काटे जो के माफी मांग ले भाई, माफी मेरे पते के मांगो, जा माफी मांगनी है माफी तो अपनी बहू रोशनी पते मांगो आप, है मैं नहीं छोड़ूंगा थमना, मैं तो जेल में ठोकूंगा भीतर ले इसका, मैं माफ नहीं कर सकता, अपनी रोशनी बहू से माफी मांगो, आपने माफी मांगनी है तुम रोशनी बेटा, वैसे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब आप बताओ इनके साथ क्या करना है। सर ये वैसा मेरा बहुत अच्छा परिवार है, है? और मैं भी इनके साथ रह रही हूँ, सर इनको एक बार और माफ कर दो आप। देख रहे नकम्मे, यह है भले घर की पहचान, यह है बेटी की पहचान, अरे हम इतने बुरे कर्म करे की गलत फिर हम माफ करवाए दिए, बेटी तू कह रही है कि मेरा अच्छा परिवार है और इनको माफ कर दो, ये है बेटी की पहचान। बेटा हमारी तो सारों की समझ में आ गई, अरे मैं आऊंगी नहीं ना के इब तो मैं सारे नहीं संदेश देऊंगी, ये समझावेगी, मैं समझाऊंगी कि जो बेटी को दे सम्मान माता पिता वही महान, जो बेटी को दे सम्मान माता